इंडियन क्रिकेट टीम ने गुरुवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक दिए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। भारतीय टीम केवल 46 रन पर ऑल आउट हो गई। मेजबान टीम के 5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 5 विकेट झटके, जबकि विलियम ने 4 विकेट लेकर इंडियन टीम की कमर तोड़ दी। साथ ही टिम साउथी को एक सफलता मिली। न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी आक्रमण में केवल 3 गेंदबाजों का उपयोग किया और 31.2 ओवर में भारत को समेट दिया। आइए आज हम आपको बताते हैं भारत के कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में। 46 रन पर ऑल आउट होते ही भारतीय टीम के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। भारतीय टीम अपने घर में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हुई। इसके अलावा भारतीय टीम ने एशिया में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने का धब्बा भी अपने ऊपर लगा लिया। वैसे टीम इंडिया ने अपने टेस्ट इतिहास का 3रा सबसे छोटा स्कोर बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने आज यानी 17 अक्टूबर 2024 को भारत के टेस्ट में सबसे कम स्कोर बनाने के मामले में 3रा नंबर लाया है। 46 रन पर ऑल आउट होते ही ये रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम किया। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के मामले में एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं रिकॉर्ड्स के मामले में धोनी को कैसे विराट ने पीछे छोड़ा। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली गुरुवार को 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। कोहली ने इसके बावजूद एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के मामले में एमएस धोनी को पीछे छोड़ा है। कोहली ने अंतरराष्ट्रीय करियर का 536वां मैच खेला है। एमएस धोनी ने कुल 535 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले थे। बता दें कि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। मास्टर ब्लास्टर ने 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।